फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कुछ न्यू टॉपिक्स को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चेक में डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, अल्ट्रेशन के बारे में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के वीडियो में हम क्रॉसिंग ऑफ चेक, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक एंड चेक बिल डिसओनर को देखेंगे। फ्रेंड्स, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक। हु कैन क्रॉस ए चेक? द क्रॉसिंग कैन बी डन बाय ड्रॉवर बिफोर डिलीवरिंग चेक। आफ्टर डिलीवरी होल्डर कैन क्रॉस द चेक। कलेक्टिंग बैंक कैन आल्सो क्रॉस ए चेक। चेक को कौन क्रॉस करेगा? चेक की डिलीवरी से पहले ड्रॉवर चेक को क्रॉस कर सकता है, इसके बाद होल्डर क्रॉस कर सकता है, कलेक्टिंग बैंक भी चेक को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट हम क्रॉसिंग देखते हैं। फर्स्ट क्रॉसिंग है जर्नल क्रॉसिंग। इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एनीवेयर ऑन द फेस इज कॉल्ड जर्नल क्रॉसिंग। इन जर्नल क्रॉसिंग द पेमेंट ओनली टू बैंक। जब चेक के सामने वाले हिस्से पर कहीं दो पैरेलल लाइंस लगा दी जाए तो इसे जर्नल क्रॉसिंग कहेंगे। जर्नल क्रॉस्ड चेक का पेमेंट केवल बैंक को किया जाएगा, यानी कि पेमेंट पेई के अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। नेक्स्ट है स्पेशल क्रॉसिंग। इफ देयर इज बैंक नेम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और विदाउट पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। जब चेक के फेस साइड पर दो पैरेलल लाइंस के बीच बैंक का नाम लिखा गया है या फिर बिना पैरेलल लाइंस के भी बैंक का नाम लिखा गया है तो इसे स्पेशल क्रॉसिंग कहेंगे। स्पेशल क्रॉसिंग पेमेंट टू स्पेसिफिक बैंक और एजेंट फॉर कलेक्शन। स्पेशल क्रॉसिंग में चेक की पेमेंट स्पेसिफिक बैंक, जिस बैंक का नाम लिखा गया है उसको या फिर उस बैंक के एजेंट को दी जाएगी। ए जर्नल एंड स्पेशल क्रॉस चेक कैन बी पेड इन कैश टू बैंकर। जर्नल एंड स्पेशल क्रॉस चेक की पेमेंट को कैश में बैंकर को दिया जा सकता है। बैंकर इस अमाउंट को पेई के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। नेक्स्ट है इफ ए क्रॉस चेक इज पेड एज पर क्रॉसिंग रूल बैंक विल गेट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 128 ऑफ एनआई एक्ट। जब किसी क्रॉस चेक को क्रॉसिंग रूल के अकॉर्डिंग पे किया गया है तो सेक्शन 128 ऑफ एनआई एक्ट के अंडर बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इफ ए क्रॉस चेक इज पेड इन वायलेशन ऑफ गाइडलाइन एज पर सेक्शन 129 ऑफ एनआई एक्ट इट विल नॉट बी ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यदि क्रॉस चेक की पेमेंट करते समय क्रॉसिंग रूल को ध्यान में नहीं रखा गया है तो सेक्शन 129 ऑफ एनआई एक्ट के अनुसार इसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा और बैंक लॉस के लिए लाइबल होगा। क्रॉसिंग रूल्स अप्लाई ऑन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट नॉट अप्लीकेबल टू प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्रॉसिंग रूल चेक व डिमांड ड्राफ्ट के लिए होते हैं, प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है अकाउंट पेई क्रॉसिंग। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट इज स्टैंडिंग प्रैक्टिस। अकाउंट पेई क्रॉसिंग को किसी लॉ में नहीं बताया गया है, यह एक स्टैंडिंग प्रैक्टिस में है। अमाउंट ऑफ दिस चेक विल बी क्रेडिट इन पेई अकाउंट। अकाउंट पेई चेक की अमाउंट पेई के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। कलेक्टिंग बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अमाउंट क्रेडिट इन पेई अकाउंट, इट मीन्स चेक बिकम नॉट ट्रांसफरेबल, इट कैन नॉट इंडोर्स। कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अमाउंट को पेई के अकाउंट में क्रेडिट किया जावे। अकाउंट पेई चेक को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और ना ही इंडोर्स किया जा सकता है। यदि अकाउंट पेई चेक को इंडोर्स किया गया है तो बैंक इसे इग्नोर करेगा। नेक्स्ट है नॉट नेगोशियबल क्रॉसिंग। ट्रांसफरी कैन नॉट हैव और गिव बेटर टाइटल टू द चेक देन ट्रांसफरर। इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशियबल क्रॉसिंग, चेक रिमेन्स ट्रांसफरेबल, इट कैन इंडोर्स। नॉट नेगोशियबल क्रॉसिंग को सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट में डिफाइन किया गया है। नॉट नेगोशियबल क्रॉसिंग में ट्रांसफरी का टाइटल कभी भी ट्रांसफरर के टाइटल से बेटर नहीं होगा। नॉट नेगोशियबल क्रॉसिंग में चेक ट्रांसफरेबल रहेगा, चेक को इंडोर्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक फॉर चेक अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक फॉर डीडी अंडर सेक्शन 131 ए ऑफ एनआई एक्ट।
कलेक्टिंग बैंक को चेक के केस में एनआई एक्ट सेक्शन 131 के अंडर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। कलेक्टिंग बैंक को डिमांड ड्राफ्ट के केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 131A के अंडर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स डीलिंग विद अदर प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। प्रोटेक्शन कन्वर्सन के केस में अवेलेबल होगी। कन्वर्सन यानी कि किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से डील किया जाए बिना उस पर्सन की कंसेंट के। यहाँ कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनके पूरे किए जाने के बाद ही प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। कंडीशंस फॉर प्रोटेक्शन: चेक और ड्राफ्ट शुड बी क्रॉस्ड, कलेक्ट फॉर ए कस्टमर, बैंक एक्ट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, कलेक्शन इज मेड एज एजेंट। चेक या ड्राफ्ट का क्रॉस होना चाहिए, इसे कस्टमर के लिए कलेक्ट किया जाना चाहिए, बैंक द्वारा गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस में एक्ट किया जाना चाहिए, कलेक्शन में चेक को एजेंट के तौर पर कलेक्ट किया गया हो। नेक्स्ट हम कुछ कन्वर्सन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओपनिंग अकाउंट विदाउट KYC, जब अकाउंट को बिना KYC के खोला गया है तो इसे कन्वर्सन कहेंगे। कलेक्शन ए चेक पेबल टू फर्म बट क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट, फर्म के लिए चेक को कलेक्ट किया जाए लेकिन इसे किसी पर्सन के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए तो कन्वर्सन कहलाएगा। कलेक्शन ए चेक पेबल टू ट्रस्ट बट क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्ट के चेक को ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जावे। कलेक्शन ए चेक पेबल टू कंपनी बट क्रेडिट इन डायरेक्टर अकाउंट, कंपनी के नाम से चेक को कलेक्ट किया जाए और कंपनी के डायरेक्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए तो यह कन्वर्सन कहलाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। ऑल चेक वुड बी पेड एज ओनली एजेंट डाइड बट सिग्नेटरी अलाइव। यदि अकाउंट का सिग्नेटरी जिंदा है और एजेंट की डेथ हो गई हो तो सभी चेक को पे कर दिया जाएगा। पे टू इलिटरेट पर्सन बाई गेटिंग थंब इम्प्रेशन विद टू विटनेसेस, चेक का पेमेंट इलिटरेट पर्सन को दिया जा सकता है, यहाँ उसके थंब इम्प्रेशन के साथ दो विटनेस ली जाएगी। माइनर कैन ऑब्टेन द पेमेंट ऑफ बीरर चेक, माइनर को बीरर चेक की पेमेंट दी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव टू गेटिंग सिग्नेचर ऑफ बीयरिंग पर्सन टू गेट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बीरर चेक में पेमेंट देते समय सिग्नेचर लिए जाते हैं जो कि पेमेंट की रिसीविंग का कंफर्मेशन होता है। इफ ए चेक ड्रॉवर डाइड चेक विल बी रिटर्न इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट के केस में यदि ड्रॉवर की डेथ हो गई है तो सभी चेक को रिटर्न कर दिया जाएगा। इग्नोर इंडोर्समेंट इन बीयरर एंड अकाउंट पे चेक, बीयरर और अकाउंट पे चेक में इंडोर्समेंट नहीं किया जा सकता। नोट पेमेंट टू इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन को चेक का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। रिटर्न मेमो इनक्लोज्ड कंप्लाई विद RBI क्लियरिंग हाउस रूल्स, चेक में रिटर्न मेमो RBI क्लियरिंग हाउस के रूल के अनुसार लगाया जाता है। अनक्रॉस्ड चेक क्रॉस्ड बाय कलेक्टिंग बैंक प्रोटेक्शन अवेलेबल, यदि अनक्रॉस्ड चेक को कलेक्टिंग बैंक द्वारा क्रॉस किया जाए तो बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। कलेक्टिंग बैंक एक्सेप्ट टू कलेक्ट चेक इन रीजनेबल टाइम अदरवाइज लाइबल फॉर इट, कलेक्टिंग बैंक को चेक का कलेक्शन रीजनेबल टाइम में करना होगा अन्यथा बैंक लाइबल होगा। सिचुएशन वेयर चेक नॉट इंडोर्स्ड, अकाउंट पे स्पेशल क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नेगोशिएशन बैक। ऐसी सिचुएशन जब चेक को इंडोर्स नहीं किया जा सकता, अकाउंट पे चेक स्पेशल क्रॉसिंग में, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में और नेगोशिएशन बैक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनर ऑफ चेक एंड बिल्स। इफ ए चेक इज रिटन बाय बैंक अनपेड ड्यू टू इनसफिशियंट फंड और एक्सीड अरेंजमेंट, इट शैल बी ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट के अनुसार यदि बैंक द्वारा किसी चेक को इनसफिशियंट फंड या एक्सीड अरेंजमेंट के कारण रिटर्न कर दिया गया है, ड्रॉवर के लिए यह ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा होने पर फाइन का प्रावधान है। मैक्सिमम फाइन ट्विस अमाउंट ऑफ चेक, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 ईयर और बोथ। अधिकतम जुर्माना चेक की कीमत से दोगुना होगा और अधिकतम 2 साल तक की जेल हो सकती है, यहाँ इन दोनों को भी लगाया जा सकता है। कंडीशन फॉर इनवोकिंग सेक्शन 138, द चेक प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन वैलिडिटी चेक रिसीव्ड फॉर कंसीडरेशन, चेक किसी कंसीडरेशन के तहत लिया गया हो, इस चेक को बैंक में चेक की वैलिडिटी के दौरान प्रेजेंट किया गया हो। नेक्स्ट नोटिस टू ड्रॉवर, नोटिस शुड बी सेंड बाय पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स
विदिन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसोनर। पेई को जब डिसोनर की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वह ड्रॉवर को विदिन 30 डेज एक नोटिस जारी करेगा कि उसकी पेमेंट को कर दिया जाए। व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइज इफ ड्रॉवर ऑफ चेक फेल टू मेक द पेमेंट विदिन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेड नोटिस। नोटिस मिलने के बाद यदि ड्रॉवर 15 दिनों के अंदर पेई को पेमेंट नहीं करता है तो सेक्शन 138 के तहत एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट, लिमिटेशन पीरियड फॉर मेकिंग कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ मेट्रो मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 1 मंथ। केस को 1 महीने के अंदर मेट्रो मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लगाया जा सकता है। सेक्शन 38 से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हैं जो कि सेक्शन 143A में डिफाइन की गई है। द कोर्ट में ऑर्डर टू ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे इंट्रिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट अप टू 20% अमाउंट ऑफ चेक विद इन 60 डेज। केस लगाने के 60 दिनों के अंदर कोर्ट ड्रॉवर को आदेश दे सकता है कि वह कंप्लेनेंट को इंट्रिम कंपनसेशन के रूप में चेक के अमाउंट का 20% पैसा पे करे। इफ अपील बाय ड्रॉवर एज पर सेक्शन 148 अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट में ऑर्डर द एप्लीकेंट टू डिपॉजिट ए मैक्सिमम 20% ऑफ द फाइन अमाउंट बाय ट्रायल कोर्ट द अमाउंट पेएबल अंडर सब सेक्शन शैल बी एडिशनल टू इंटरिम कंपनसेशन पेड बाय एप्लीकेंट। सेक्शन 148 के अनुसार यदि ड्रॉवर अपील करता है तो अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट एप्लीकेंट को यानी कि ड्रॉवर को ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए फाइन अमाउंट का अधिकतम 20% तक जमा करवाने का आदेश दे सकता है। जो यह 20% अमाउंट जमा की जाएगी यह इंटरिम कंपनसेशन से अलग होगी। अब हम एक लिस्ट के जरिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शंस को देखते हैं। प्रोमिसरी नोट को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। चेक को सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। ड्रॉवर को सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। होल्डर को सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स को बताया गया है। सेक्शन 15 में इंडोर्समेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 18 में अमाउंट इन फिगर ऑलवेज कंसिडर यानी कि जो फिगर्स में अमाउंट दी लिखी गई है उसे हमेशा कंसिडर किया जाएगा ऐसा सेक्शन 18 में बताया गया है। सेक्शन 20 में इंचोइट इंस्ट्रूमेंट यानी कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को बताया गया है। सेक्शन 26 कहता है कि माइनर किसी चेक या बिल को ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, माइनर अपने आप को छोड़कर हर किसी को लाइबल बना सकता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन ऑर्डर चेक को सेक्शन 85(1) में डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्शन इन बीरर चेक को सेक्शन 85(2) में डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्शन इन डीडी को सेक्शन 85(a) में डिफाइन किया गया है। मटेरियल अल्टरेशन जो कि नॉट विजिबल है तो प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 89 के तहत। क्रॉस चेक को क्रॉसिंग रूल के अकॉर्डिंग डील किया जावे तो प्रोटेक्शन सेक्शन 128 के तहत मिलेगी। क्रॉस चेक पेड विद वॉयलेंस ऑफ रूल्स सेक्शन 129, सेक्शन 130 नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, सेक्शन 131 प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक एंड लास्ट सेक्शन 138 चेक डिसोनर। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के टॉपिक को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।